हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है सभी बड़े से। तो अभी आप देख सकते हैं कि जैसे अभी मैं ब्रेकफास्ट पे नहीं किया, ब्रेकफास्ट में लेट हो चुका हूँ, लेकिन क्लास लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास में पहले स्टार्ट क्लास ले रहा हूँ, तो क्लास के साथ साथ मेरे को ब्रेकफास्ट भी करना पड़ेगा। हाँ, जो टॉपिक है आज का वो क्या है, मैंने पहले ही कवर कर रखा था, बस उसको एक बार रिवीजन हो रही है मेरी। तो अभी मैं जस्ट साथ ब्रेकफास्ट भी करूँगा, तो चलिए फटाफट से क्लास के लिए ब्रेकफास्ट में करते हैं। ब्रेकफास्ट में मेरा यही रखा है, तो क्लास भी चल रही है, तो अभी लक्की भी मेरे साथ यही बैठी है, देख सकते हैं अब लक्की भी बैठी है। लक्की बैठ करके मेरा दिमाग ख़राब कर रही है, कुछ नहीं कर रही। तो चलिए फटाफट से क्लास भी लेते हैं और ब्रेकफास्ट भी कर लेते हैं। तो ये क्लास जो है पॉलिटी और आई आर की क्लास थी, इसके अंदर हमने करंट की 6 टॉपिक्स को कवर किया। ऐसे हम डे बाई डे अलग अलग दिन जो है, जैसे आज पॉलिटी को कवर किया है तो कल इकोनॉमिक्स को करेंगे, उसके अगले दिन ज्योग्राफी को। तो ऐसे हम डे बाई डे सभी सब्जेक्ट से अलग अलग टॉपिक्स करंट में कवर करते हैं। तो आज के जो टॉपिक्स थे NCERT, MSP, पब्लिक लिंक इंसेंटिव स्कीम्स, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम। तो इसी प्रकार से जो है मैंने 6 टॉपिक इसके अंदर इस मैंने कवर करेंगे। तो ऐसे ही डेली अलग करंट के टॉपिक्स के लेते हैं अलग सब्जेक्ट से। तो आज की क्लास जो है काफ़ी अच्छी रही। तो गाइज अभी जस्ट मैंने क्लासेस ले चुका हूँ, अब जो लंच का समय हो रहा है तो फटाफट से लंच कर लेते हैं, क्योंकि लंच के लिए मैं लेट भी हो चुका हूँ ना, क्योंकि कंटिन्यूसली क्लासेस लेना है, तो इस वजह से जो है लंच थोड़ा सा लेट हो रहा हूँ। तो चलिए फटाफट से अब चलते हैं, लंच कर लेते हैं, उसके बाद फिर आएंगे, फिर वीडियोस, फिर उसके बाद जो है लेक्चर तो नहीं है क्या? हाँ, रिवीजन वाला पढ़ के रिवीजन करेंगे। तो अभी चलिए चलते हैं और फटाफट से लंच कर लेते हैं। क्लासेस मैंने अभी ऑलमोस्ट ज्योति को लेक्चर में ले चुका हूँ, तो फटाफट से जो है रिवीजन कर लेता हूँ, क्योंकि लेट हो चुका हूँ। लेट का मतलब ये है कि थोड़ा सा मैं लेट आया हूँ। अब फटाफट से जो है रिवीजन, फिर उसके बाद इसकी आंसर राइटिंग, फिर उसके बाद हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रिवाइज करूँगा। रिसेंटली जो भी एग्ज़ाम हुए, GS पेपर मेंस एग्जामिनेशंस, जो मेंस के जो एग्ज़ाम हुए हैं अभी, उनको भी मैंने को एक बार पेपर्स को देखना है, एक बार गो थ्रू होना है कि किस टाइप्स का क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अभी तो मैं जो है हिस्ट्री की रिविज़न करता हूँ, तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं। ये लक्की सो कर उठ कर सीधा मेरे पास, मैं भी लक्की का नाम ही ले रहा था, लक्की सीधा हाजिर हो गया मेरे पास नीचे भाई। मेरा नाम देखो, और लक्की ने मुझे डरा दिया एकदम से, आई पीछे पर्दा हटाया, मैं कह रहा कौन है, लक्की ने मुझे डरा दिया। लक्की की बातें कर रहे थे एकदम से, लक्की नहीं नहीं अब तो पता लग गया ना, अब तो अब नहीं डरा, ऐसे बोलते हैं। यहाँ पर मैंने हिस्ट्री के टॉपिक को रिवाइज किया, मॉडर्न डायनेस्टी, जिसमें मैंने अशोक के बारे में कहा कि अशोक किस कैसे महानतम गुरु थे। तो हालांकि ने आलू भुजिया खाई, लेकिन आलू भुजिया खाने से पहले नूडल्स खाए, मैगी खाई, और इसने यशी को नहीं दी। ये देखो ख़त्म होने के बाद भी डिब्बी खाने की कोशिश कर रही है, ऐसी महान महान लक्की है, महान। देखो ये अच्छे खाली पैकेट खा रहे हैं, पैकेट में कुछ भी नहीं है। बताओ ऐसे ऐसे बच्चे जो बिल्कुल खाने के बाद भी खा जो, ऐसे पूरा पैकेट खा जो, ऐसे ही खा जो बेटे, ऐसे बस नहीं निकलेगी उसके अंदर। ये लक्की ने मेरे यहाँ से 2 पेपर ले लिए हैं, अभी इन 2 पेपर क्या करेंगे जल्दी से बताओ, क्या करोगे इनका 2 पेपर से आपने लिए जो, क्या करोगे लक्की? अब आप हाँ नहीं छोड़ो, इधर आ जाओ। नो 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 नो, अच्छा ठीक है रख दो, ये ऐसे ही रख दो, इसी के ऊपर रख दो, इसके ऊपर रख दो, रखो बस, अब आप नीचे आ जाओ ठीक है। हाँ लक्की के पास 2 पेपर्स हैं, अब इनका पेपर्स का क्या करोगे आप? ड्राइंग करोगे ठीक। ये देखिए लक्की ने क्या बनाया है, इधर लक्की ने ड्राइंग बनाई है, ये कैसी ड्राइंग बनाई है लक्की आपने? देखो गाइस ये भी देखो,
ये क्या बनाया आपने बताओ? स्माइली बनाई है। और दूसरे वाले पेपर पे क्या बनाया आपने? और लक्की ने टॉफी बनाई है। ये कैसी टॉफी है? जो हम खाते थे, जो मैं छोटा था ना, हाँ। तो मम्मी मुझे टॉफी देती थी ऐसे। अच्छा, हाँ। तो बड़ी हो गई हो आप? हाँ, मैं बड़ी हो गई हूँ। कितनी बड़ी हो गई? 5 साल की। अच्छा, अब क्या बना रहे हो? अब क्या बना रहे हो आप भैया? आप होमवर्क करो। ओके, मैं भी होमवर्क करती हूँ। ठीक है। चाहिए मुझे, चाहिए बिस्किट। तो मुझे नहीं खाने, तो जाओ यहाँ से, मेरे पास से जाओ, मेरे पास से। मैंने कहा ना मेरे को नहीं चाहिए। मुझे नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। चलो मैं डिनर के लिए जाते हैं। डिनर के लिए खाना खाना होगा। नहीं नहीं, तो चलिए डिनर का समय हो चुका, फटाफट से चलते डिनर करने के लिए। मुझे अब बिस्किट नहीं खाना, मुझे डिनर करना है, मुझे खाना खाना है। चलो पतंजलि वाला बिस्कुट मुझे चाहिए। पतंजलि वाला मुझे। 3-4 टॉपिक्स, 6 टॉपिक मैंने उसके ऊपर। पतंजलि वाला बिस्कुट चाहिए मुझे। बिस्कुट पतंजलि वाले बिस्कुट नहीं देते हैं, तो ठीक है। चलिए खाना बन गया, डिनर बन चुका है, फटाफट से डिनर कर लेते हैं। क्या है डिनर में? रोटी, गोभी, आलू की सब्जी। तो चलिए, आपको पता ही है कि हल्दी कितना ज़्यादा फायदेमंद है। तो ठीक इसी प्रकार से आपको रात को सोने से पहले दूध, हल्दी वाला दूध जरूर से पीना चाहिए। तो अभी तो फिलहाल मैं आ चुका हूँ, और अब जस्ट मुझे इंग्लिश की रिवाइज करनी है, इंग्लिश की रिवीजन करनी है। रिवीजन करने के बाद मुझे डायरी भी लिखनी है, क्योंकि डायरी तो मेरा एक पैशन है। डायरी तो जो है मैं रोज लिखता हूँ। तो ठीक किसी प्रकार से, तो चलिए चलते हैं, अभी बटर से जो रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन करने के बाद डायरी लिख लेते हैं, फिर एडिटिंग करेंगे, फिर अपना सोएंगे, और सुबह जल्दी उठने की उठेंगे जल्दी, क्योंकि डेली तो मैं लेट ही उठ रहा हूँ। तो चलिए बटर से चलते हैं, और अभी कर लेते हैं रिवीजन। इस सेशन में मैंने जो कुछ मेंस के क्वेश्चंस को कवर अप किए, मैंने इसमें मेंस के क्वेश्चंस की कुछ प्रैक्टिस की। मैंने और बच्चों ने जो उसके मेंस के आंसर्स लिख रखे थे, एक OTP ऐप है जिसके ऊपर क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, और इस पर बच्चे खुद से आंसर जो लिखते भी हैं, लिखकर इस पर अपलोड भी करते हैं। तो मैंने देखा कि किस तरीके से क्वेश्चन, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और किस प्रकार से बच्चों ने उसके आंसर दे रखे थे, वो सब चीज़ें मैंने देखी। और मैंने इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया, डेली हिंदू एनालिसिस से क्वेश्चंस बना करके इसमें पूछे जाते हैं, तो वो मैंने इसमें लिखे, और बच्चों के आंसर्स भी देखे किस टाइप से वो आंसर लिखते हैं। तो उससे जो है काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई। तो चलिए अब और भी मैंने इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किए, तो बस इतना ही मैंने। तो इस क्लास में मैंने कुछ इंग्लिश के भी फ्रेसेस किए जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, कुछ सेंटेंसेस किए। तो जो जैसे कि हम क्या करते हैं कि इसमें कुछ हिंदी के कुछ वर्ड्स होते हैं जो हर कई बार हर सेंटेंसेस में यूज़ होते हैं, तो हमने उन वर्ड्स को, उन कुछ वर्ड्स को लेकर के उनका यूज़ करके अलग अलग सेंटेंसेस में वो मैंने किए, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं,
इस प्रकार से कई सारे सेंटेंसेज है जिससे काफ़ी सारे जो फ्रेसिस है वो कवर होते हैं इसके अंदर। तो बस इसमें इतने इस लाइन को हमेशा याद रखिएगा। तो खुद को जानो, खुद को पहचानो और गाइस खुद के लिए समय निकालो, खुद को समय दो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, बाय।